शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानों के सामने खड़े वाहनों सहित बेजा अतिक्रमण को हटवाने के लिए सोमवार को पुलिस ने एक अभियान चलाते हुए दुकानों के सामने खड़ी बाइकों एवं थड़ों को हटवाया। इस दौरान कई दुकानदारों ने पुलिस की इस कार्रवाई को देखकर खुद ही सामान को लेकर भागते नजर आए। सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे दल ने अस्थायी बस अड्डे से अपने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले दुकानदारों को समझाते हुए दुकानों के सामने वाहन नहीं खड़े करवाने की हिदायत दी। इस दौरान पुलिस ने दुकानों के सामने खड़े कई दुपहिया वाहनों को हटवाया। इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों की इंस्पेक्टर से बहस भी हुई। ऐसे दुकानदारों को कहना था कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी दुकानों के सामने से कभी अतिक्रमण नहीं हटवाया जाता, जबकि हमारी दुकानों से जब चाहे तब आकर दादागिरी से सामान हटवा दिया जाता है, ऐसा भेदभाव क्यों? SHO ने ऐसे दुकानदारों के आरोपों का मौके पर ही जवाब दिया। अभियान की खास बात ये रही कि कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से ही दुकानों के सामने जमे सामान को हटा लिया। पुलिस ने बस अड्डे से लेकर बेगराज यादव तक तथा पुराना बाजार से लेकर थाना मोड़ तक का बेजा अतिक्रमण साफ करवाया। इसकी काफी शिकायतें मिल रही थी कि भाई रेहड़ी वाले बस स्टैंड सड़क के किनारे तक रेहड़ियाँ लगाए रहते हैं तो जाम कैसी समस्या उत्पन्न हुई रहती है। आज सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इनको एक दायरे में सीमित कर दो, तो उनको पीछे करवाया है। काफ़ी बढ़िया, सुबह से जाम नहीं लगाया है। अगर आगे से लोग इस तरह से रेहड़ियों से अतिक्रमण करके जाम वगैरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनका सामान जब्त करेंगे।